बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सीना मनकेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज की पोस्ट में ग्रांट ऑफ स्पेशल अलाउंस 2021 बयान करने वाला हूं। मोरखा 27 जनवरी 2022 को जो लेटर स्पेशल अलाउंस के हवाले से जारी हुआ, इस लेटर की तफसील बताऊँगा। फिनांस डिपार्टमेंट ने 7 जुलाई 2021 को एक लेटर जारी किया, जिसके मुताबिक BPS 1 से BPS 19 तक पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस देने का कहा गया। इस लेटर के मुताबिक बेसिक पे स्केल 2017 में जो इनिशियल बेसिक पे स्केल थी, उसी को बुनियाद बनाकर 25% स्पेशल अलाउंस 1 जून 2021 से दिया गया। इसकी शर्त थी कि जो मुलाजमीन हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अढ़ाक लीफ अलाउंस 16, 17, 18, 19 के अलावा जो भी अलाउंस ले रहे हैं, वो स्पेशल अलाउंस नहीं ले सकते। इसकी वजाहत कुछ यूँ है, ये स्पेशल अलाउंस मिलने के बारे में नहीं, बल्कि जो मुलाजमीन पहले ही कोई ख़ास अलाउंस ले रहे थे और स्पेशल अलाउंस के हकदार नहीं थे, लेकिन इन 19 अज़ला के अकाउंट ऑफिस ने इनकी तनख्वाहों में स्पेशल अलाउंस जारी कर दिया। पंजाब के ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो इस कैडर में नहीं आते, उनसे रिकवरी होगी।